हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉक एंड टॉक। आज का जो वेदर है ना, क्या बताएं, इतना अच्छा वेदर है कि चाय और पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन आज मुझे कुछ दूसरा चीज के खाने के लिए मन कर रहा है, वो है कुछ मीठा। मिठाई का दुकान तो दूर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो सोचा क्यों ना घर में ही कुछ बना ले। तो सोचा आज क्यों ना बालूशाही बनाने के लिए ट्राई किया जाए। कभी नहीं बनाया, आज ही फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं कैसे हम बनाते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और बेल आइकन को भी क्लिक करना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके। तो चलिए हम लोग बनाते हैं बालूशाही। तो फ्रेंड्स, आज का बालूशाही बनाने के लिए ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। ये है कप मैदा, हम इसमें 3 कप मैदा यूज करेंगे। यहाँ पे हम सनफ्लावर ऑयल और घी को एक साथ मिला के लिए हैं। आप सिर्फ सनफ्लावर ऑयल या डालडा या सिर्फ घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों का ऑयल मत यूज़ करना। ये है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये है 1/4 टीस्पून नमक। पहले हम क्या करेंगे, मैदे को अच्छे से छान लेंगे, उसके बाद एक एक इंग्रेडिएंट इस पे हम मिक्स करेंगे। और हाँ, यहाँ पे हम छेना भी यूज़ करेंगे, तो चलिए दिखाते हैं। मैदे को अच्छे से छान लीजिए ताकि इसके अंदर कोई बबल्स ना रहे। अभी देखिए, लास्ट कप मैदा ऐड करने से पहले हम इसमें ये बाकी जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो इसमें एक साथ डाल लेंगे और एक साथ छान के इनको मिक्स कर लेंगे। ये है छेना, इसको हम घर पे ही बनाए हैं। 500 ml दूध के पैकेट से हम इसको बनाए हैं। अभी हम इसको वो मैदे के साथ ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे ऑयल को। अभी इसको अच्छे से एक डो बना के 10 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है। चलिए इससे पहले हम चाशनी को प्रिपेयर कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप चीनी और इसमें ऐड करेंगे ऐसे 2 कप वाटर। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे चाशनी में हल्का सा उबल आना स्टार्ट हो चुका है। अभी इसी टाइम हम इसमें थोड़ा सा इलायची ऐड कर देंगे। इलायची डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें एक कोई भी कलर यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी कितना अच्छा कलर आया है मेरे चाशनी पर। अभी ये एक तार जब तक नहीं बन रहा है, उतने टाइम तक हमको इसको ऐसे ही गाढ़ा करना पड़ेगा। देखिए रेडी हो चुका है हमारा चाशनी। अभी हम इंडक्शन को ऑफ करेंगे और इसको छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अभी मैं जो करने जा रही हूँ वो ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं लिए हूँ एक नाइफ को। ये जो हमारा मैदे का डो है उसको हम हाथ से ऐसे फैला लेंगे और चाकू से इसको ऐसे काट लेंगे।
होगा, जो बालूशाही है उसमें लेयर्स बहुत ही अच्छे से आएगा। ये प्रोसेस आप 5-6 बार रिपीट कर सकते हो, या ज्यादा करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना टाइम आप करोगे इसको, उतना ही अच्छा आपका बालूशाही बनेगा। अभी हम इसको पूरा ऐसे फैला लेते हैं, अभी चाकू से ऐसा हम कट कर लेंगे। नेक्स्ट इसको ऐसे हाथों में ले लीजिए और अच्छे से हल्के हाथों में थोड़ी देर तक ऐसे पका लीजिए। जैसे हम घर में अपना नाड़ू या लड्डू बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही ऐसे इसको पका लीजिए। ऐसे राउंड शेप में आएगा और आप ऐसे बीच में ऐसे दबा लीजिए, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो अंदर भी अच्छे से इसका फ्राई होगा। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा बन गया है, इसको हम ऑयल में अभी फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने कढ़ाई पे सनफ्लावर ऑयल डाला है और तेल को ज्यादा गर्म हम इसको नहीं करेंगे, और एक एक करके इसमें डाल देंगे। बस इतना ही गर्म करेंगे और ज्यादा गर्म इसको नहीं करेंगे, ताकि ये पूरे अच्छे से फ्राई हो जाए। देखेंगे जब ये फ्राई हो जाएगा ना, तब ये इसका जो लेंथ है वो फूल के धीरे धीरे से ऊपर आ जाएगा, और अभी इसको पलटना नहीं है। पहले ये अच्छे से थोड़ा ब्राउन हो जाए, उसके बाद इसको हम पलट देंगे। देखिए कैसे फूल रहा है फ्रेंड्स, देखिए कितना सा ही ब्राउन हम इसको फ्राई करेंगे। अंदर से पूरा फ्राई हो चुका है, कोई भी कच्चा कुछ भी नहीं है। अभी क्या करेंगे, हम चाशनी में ये जो बालूशाही है तला हुआ उसको हम डाल देंगे और अच्छे से इसको ऐसे पलट देंगे, और 3-5 टाइम तक इसके अंदर ही रखेंगे, ताकि ये जो रस है वो ये पूरा अंदर तक चला जाए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आपसे मिलते हैं और एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।